हम लोग सब जानते हैं कि स्कॉच व्हिस्की को बनाने के लिए कम से कम 3 इयर्स उसको वुडन बैरल में या कास्ट में मैच्योर किया जाता है, यानी व्हिस्की जो कैरेक्टर आपके सामने लाता है वो ये जो वुडन बैरल है, ये जो वुडन कास्क है, यही निर्णय करता है। मगर हम लोग कितना जानते हैं इस वुडन बैरल के बारे में या वुडन कास्क के बारे में? कभी इसको बोला जाता है बैरल, कभी इसको बोला जाता है कास्क, कभी इसको बोला जाता है बड्स, ये क्यों? तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो वुडन बैरल है ये कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है और ये क्या रोल प्ले करता है व्हिस्की को मैच्योर करने के टाइम पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे देखा जाए तो काफी वैरायटीज ऑफ वुडन बैरल या कास्क मिलता है, मगर मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा 2 टाइप्स का, एक है अमेरिकन ओक बैरल और एक है यूरोपियन बैरल। और ये जो अमेरिकन ओक बैरल है ये बनता है ओक वुड से और इसका जो कैपेसिटी होता है ये 200 लीटर्स का होता है। और पास पास अगर हम लोग यूरोपियन बैरल का बात करें तो यूरोपियन बैरल जो होता है ये और भी बड़ा होता है, इसीलिए इसको बर्ड्स भी बोला जाता है। इसका जो कैपेसिटी होता है ये 500 लीटर्स का होता है और ये भी ओक वुड से बनता है। दोनों में काफी अंतर है। मान लीजिए अमेरिकन व्हाइट ओक बैरल से जो व्हिस्की को मैच्योर किया जाएगा वो मोस्टली लाइट इन कलर होता है और उसमें जो फ्लेवर रहता है वो मोस्टली उडी, फ्लोरल, फ्रूटी किस्म का, इवन वेनिला, लॉट ऑफ वेनिला ऐसा कुछ फ्लेवर के साथ आता है। अगर यूरोपियन ओक से बनाया जाता है कोई भी व्हिस्की या मैच्योर किया जाता है कोई भी व्हिस्की, तब जाके वो बहुत ही इंटेंस फ्लेवर के साथ, थोड़ा सा डार्क कलर का और स्पाइसी फ्लेवर के साथ रेडी होता है। गौर करने वाला बात यह है कि ये जो वुडन बैरल्स बाहर से आते हैं स्कॉटलैंड में, ये सब यूज्ड बैरल है। जी हाँ, यूज्ड बैरल, यानी यहाँ पर ऑलरेडी व्हिस्की को मैच्योर किया जा चुका है या वाइन को मैच्योर किया जा चुका है। यूज्ड बैरल यूजुअली सप्लाई होता है अमेरिका से, मोस्टली बर्बन डिस्टिलरीज जो है वो एक बार बैरल को यूज करते हैं और उसके बाद उस बैरल को स्कॉटलैंड में सेल कर देता है। अब ये यूज्ड बैरल क्यों यूज करता है स्कॉच डिस्टिलरीज, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि उस यूज्ड बैरल को यूज करके स्कॉच व्हिस्की का जो बेसिक फ्लेवर है, इंटेंस फ्लेवर है, या स्कॉच व्हिस्की का जो पर्टिकुलर नेचर है वो यूज्ड बैरल के साथ ही संभव है, इसीलिए यूज्ड बैरल को यूज किया जाता है। तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि नया ओक बैरल में क्या व्हिस्की को मैच्योर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, मगर स्कॉच व्हिस्की वालों को जो कैरेक्टर चाहिए अपना व्हिस्की में वो यूज्ड बैरल से ही होता है। अब ये क्वेश्चन फिर से आता है तो फिर जो नया बैरल है वो अमेरिकन वाले क्यों यूज करते हैं? हर एक रीजन में व्हिस्की जो है वो अलग अलग कैटेगरीज का होता है, अलग अलग कैरेक्टर का होता है। अगर अमेरिका की तरफ आप देखेंगे तो वहां पर जो व्हिस्की क्राइटेरिया है वहां पर क्लियर है कि आप फ्रेश ओक बैरल से व्हिस्की को मैच्योर कीजिए। अब फ्रेश ओक बैरल को अगर यूज करते हैं तो उतना कैरेक्टर व्हिस्की में आता नहीं है, तो कि फिर क्या किया जाता है? तो अमेरिकन वाले अपना जो ओक बैरल है उसको चार्ड करते हैं या टोस्ट करते हैं। चार्ड और टोस्ट में काफी डिफरेंस है, मैं बिल्कुल एक वीडियो बनाऊंगा। तो फिर चार्ड ओक बैरल का मतलब क्या है? चार्ड ओक बैरल का मतलब है कि अंदर में, यानी व्हिस्की का जो बैरल है उसका अंदर में आग लगाया जाता है कि वो थोड़ा सा जल जाए, थोड़ा सा चार्ड हो जाए। और इससे क्या होता है, व्हिस्की को जब फिल किया जाता है वुडन कास्क में या वुडन बैरल में, तब वो व्हिस्की ऊट के अंदर में घुसने में कामयाब होता है बहुत जल्द, और इसीलिए इसको चार्ट किया जाता है। साथ साथ कुछ और भी कैरेक्टर्स व्हिस्की में वो एड ऑन करता है, फिल्टर भी करता है व्हिस्की को। अब जब कंप्लीटली व्हिस्की मैच्योर हो जाता है अमेरिका में, तब वो स्कॉच डिस्टिलरीज को सेल कर देता है वो जो अपना वुडन बैरल है या वुडन कास्क है, और स्कॉच डिस्टिलरीज उसमें फिर से व्हिस्की या नेचुरल स्पिरिट को डालते हैं अंदर में व्हिस्की को व्हिस्की में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें स्कॉच डिस्टिलरीज को बहुत बड़ा एक फायदा होता है, ऑलरेडी उस बैरल में वो जो अमेरिकन व्हिस्की का फ्लेवर है, जो फ्रेग्रेंस है वो वहां पर रह गया है, और वो जो फ्लेवर और फ्रेग्रेंस है वो
स्कॉच विस्की में या नया स्पिरिट में मिलता है, तब जाके स्कॉच विस्की में एक यूनिक कैरेक्टर एड ऑन होता है और एक बेहतरीन उसकी स्कॉच डिस्टिलरी आपको सप्लाई भी कर पाता है। अब अगर 500 लीटर्स का वुडन बैरल का, यानी जिसको हम लोग वुडन बट बोलते हैं, अगर उसका बात करूं तो उसमें वाइन को मैच्योर किया जाता है और वो जो मैच्योर हो जाता है उसके बाद उस बट को स्कॉच डिस्टिलरीज को बेच देते हैं और स्कॉच डिस्टिलरीज उसमें जब विस्की को मैच्योर करते हैं तो उसमें काफी स्पाइसेस ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्पेन में उसमें वाइन डाला गया था। तो ये सेकंड रिफिल है, यानी स्कॉच डिस्टिलरी इसमें सेकंड रिफिल करता है तो ऑटोमेटिकली जो प्रीवियस फ्रेग्रेंस है, फ्लेवर्स है, वो वुडन बट थ्रू विस्की में घुल मिल जाता है। तो ये अलग कैरेक्टर का विस्की आपको डिलीवर कर पाता है। तो यही था आज एक छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन अबाउट बैरल और कास्क। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और हाँ लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून इन द न्यू कॉकटेल न्यू मॉकटेल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। एंड आप तो जानते ही है कि आपको रिस्पॉन्सिबल ड्रिंक करना है। टाटा।